कोरोना वायरस, ये वो वायरस है जिसे लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, शादियां धूमधाम से होने लगी थी, लोग छुट्टियां मनाने जाने लगे थे, व्यापार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा था कि कोरोना का एक नया वेरियंट लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगाने आ गया है। एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल चीन और दूसरे देशों में कोरोना के एक्सी वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। इन सब के बीच भारत में इस वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को इस वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लीनिएज है और देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब लीनिएज मिल रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट के मिलने से अब तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की बात सामने नहीं आई है। इन वेरिएंट के असर को लेकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ और स्टडीज की जरूरत है, जिसका आकलन फिलहाल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अभी इसको लेकर कुछ बयान जारी नहीं किए हैं। आखिर एक्सी वेरिएंट को लेकर अब तक क्या पता चला है? शुरुआती शोध के बाद कहा जा रहा है कि एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। अभी तक इसे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तेज़ी से फैल सकता है। एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है। WHO के अनुसार ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट की तुलना में लगभग 10% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि जो दोनों मामले अब तक भारत में मिले हैं उनमें कोई भी डराने वाले लक्षण नहीं दिखे, इसलिए सरकार ने पैनिक नहीं क्रिएट करने की बात कही। एक और देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गया है। इसे लेकर ही केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को अलर्ट भेजा है। देश के हालात देखें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 1109 मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार ने ऐलान किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगाया जाएगा। ये डोज सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिन्होंने दूसरा डोज 9 महीने या उससे पहले लगवाया है। आईएनएस रिपोर्ट।